4 अक्टूबर जुमे की नमाज के बाद दासना देवी मंदिर का मुस्लिमों ने घेराव कर लिया और नरसिंह नंद की गिरफ्तारी की मांग करने लगा। प्रोटेस्ट धीरे धीरे बढ़ता रहा, पुलिस आ गई, लाठीचार्ज हुआ, तोड़फोड़ हुई और जिसमें 21 पुलिस वाले घायल भी हुए और गाजियाबाद में 1200 मुस्लिमों पर प्रदर्शनकारियों पर केस दर्ज हुए और नरसिंहानंद के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई और इसकी वजह थी ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी क्या होती है? ब्लास्फेमी धार्मिक मुद्दों को लेकर कुछ अपशब्द बोल देना। अगर ब्लास्फेमी को लेकर हिंदुस्तान में सेक्शन 295A लागू होता है, उसके अंतर्गत सजा दी जाती है। जो नरसिंहानंद हैं उन्होंने 29 सितंबर को गाजियाबाद में एक कार्यक्रम में प्रॉफिट मोहम्मद का पुतला जलाने की बात की। यदि आप जलाना चाहते हैं हर दशहरे पर तो आपको मोहम्मद को जलाइए। और 3 अक्टूबर को वीडियो वायरल हो जाता है और 4 अक्टूबर से धरना प्रदर्शन शुरू हो जाता है। इसी के साथ साथ मुंबई में भी एक प्रोटेस्ट चल रहा है जहां मुसलमान रोडों पर हैं और वहां भी लाठीचार्ज हुई है और बहुत पत्थरबाजी वगैरह सब हुई है। इसमें MM के एक नेता हैं इम्तियाज अली, जिनके नेतृत्व में एक रैली गई मुंबई चलो रैली और वो मुंबई वहां पहुंचते हैं, वहां पर भी लाठीचार्ज होती है और रिपोर्ट के मुताबिक 23 सितंबर 11:30 रात को ये लाठीचार्ज होती है। जब MM के कार्यकर्ता ये बता देते हैं कि इम्तियाज अली साहब अभी मौजूद नहीं है हमारे बीच और उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है तो लाठीचार्ज होती है। अब यहां पर एक बात आप मार करिएगा कि लाठीचार्ज मैंने हमेशा देखा है जब नेता गायब हो जाता है तभी लाठीचार्ज होती है, या तो मैं यूं कहूं कि नेता को गायब कर दिया जाता है तब लाठीचार्ज होती है। खैर, कोई समझता है और कोई समझना नहीं चाहता। और मुंबई में एंट्री ना मिलने की वजह से लगभग 12,000 लोग वापस आ जाते हैं प्रोटेस्ट छोड़ के। यहाँ भी वजह है ब्लास्फेमी। ये प्रोटेस्ट चल रहा है रामगिरी महाराज के खिलाफ। असल में रामगिरी महाराज ने एक बयान दिया था जिसमें बांग्लादेश के बारे में वो बोल रहे थे, उसी की बात करते हुए प्रॉफिट मोहम्मद की कुछ बात कर गए और सच्चाई ये है कि रामगिरी महाराज ने क्या बोला मुझे नहीं मालूम, क्योंकि उनकी जो स्पीच थी वो मराठी में थी जो मुझे समझ नहीं आई। लेकिन नरसिंहानंद एक हेट स्पीकर है जो लगातार हेट स्पीच देता रहता है। वो एक सस्ती लोकप्रियता चाहता है और इस तरह के बहुत से चुटपैया नेता मार्केट में घूम रहे हैं, जैसे बिट्टू बजरंगी, मोनू मानेसर और अनिल यादव जैसे, बहुत लंबी लिस्ट है जो सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं। अगर मुसलमान का एग्जाम्पल मैं किसी से देना चाहूँ तो मुझे बॉलीवुड का सलमान खान सबसे अच्छा लगता है। सलमान खान इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि सलमान खान जब किसी भी लड़की का हीरोइन का करियर ना चल रहा हो सलमान खान के साथ एक मूवी करती है और हिट हो जाते हैं, पता नहीं कितने करियर सलमान खान ने बनाए। वही मुसलमानों का हाल है जिसकी बात ना चल रही है, जिसको लोग जानते ना हो, मुसलमान प्रोटेस्ट कर करके उसको फेमस कर देते हैं और वही शायद वो चाहते हैं, शायद नहीं। लेकिन एक बात यहाँ पर यह है कि सलमान खान अपना खुद का करियर नहीं बिगाड़ता, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुसलमानों पर हमेशा फर्क पड़ता है कि प्रोटेस्ट के रिजल्ट क्या निकलते हैं, कितने सही होते हैं, कितने गलत होते हैं, इसमें नुकसान कितने होते हैं। और जितनी नफरतें इस्लाम के लिए लोगों के दिल में होती हैं उससे कहीं ज़्यादा और बढ़ जाती हैं। लेकिन अगर मैं ये सब बातें बोलूँ कि प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए तो यार मुझे भी गालियाँ मिलने लगती हैं। लेकिन हकीकत ये है कि आप एक कठपुतली बन जाते हो, जो सामने वाला कराना चाह रहा है आप सेम टू सेम वही करते हो। आपको समझ में नहीं आता कि आप शिकार कर नहीं रहे हो, शिकार हो रहे हो। आपने शायद सलमान रश्दी का नाम सुना होगा, उसने एक बुक लिखी थी सैटैनिक वर्सेस, प्रोटेस्ट हुए सलमान रश्दी के खिलाफ तो फिर वेस्टर्न कंट्रीज भी उसके सपोर्ट में आ गई और जितनी बुक्स उसकी पहले नहीं बिकी थी उससे कहीं ज्यादा बिकी, है ना, कमाल की बात। 2015 में पेरिस में चार्ली हेब्दो
कि ऑफिस पर एक टेररिस्ट अटैक हुआ था जिसमें 11 से ज्यादा लोग मारे गए थे। फिर क्या हुआ? फिर लोग चार्ली हेब्दो के सपोर्ट में सड़क पर उतर आए, फिर एक हैशटैग दिया जी सेव्स चार्ली, इसका मतलब होता है आई एम चार्ली, मैं भी चार्ली हूं। और फिर ये नारा पूरी दुनिया में गूंज लिया। अब क्या करोगे? एक 16 अक्टूबर 2020 को फ्रांस में केस हुआ था जिसमें सैमुअल पैटी को मारा गया था। अब इससे क्या रिजल्ट निकला कि उसे लीजेंट अवार्ड दे दिया गया। फिर 26 मई 2022 को आपको नूपुर शर्मा तो बहुत अच्छे से याद होंगे, और इसके साथ फिर एक ट्रेंड चला आई स्टैंड विद नूपुर शर्मा, और जिसमें बेचारा एक कन्हैया लाल फजूल में कत्ल हुआ। इसकी भी वजह थी ब्लास्फेमी। इससे आप एक चीज समझ पा रहे हैं कि जितना आप प्रोटेस्ट करते हैं उतने ही ज्यादा बोलने वाले होते हैं, लेकिन वैसे हेट स्पीचेस को लोग ज्यादा पसंद नहीं करते, लोग नफरतें नहीं चाहते। लेकिन मुस्लिमों के इस तरह के कट्टरपंथी रिएक्शन से लोग इनसे नफरत करने लगते हैं। जैसे सरतन से जुदा, मार दो काट दो, तो लोग कहीं ना कहीं उनके सपोर्ट में आ जाते हैं भले ही उन्हें पसंद ना करते हों। तुम अपने आप में कहते रहो कि इस्लाम बड़ा शांति का मजहब है, अमन का मजहब है, कोई नहीं मानने वाला, क्योंकि लोग तुम्हें पढ़ते हैं, तुम्हारी किताबी नहीं। अगर तुम्हें करके ही दिखाना है तो दिखा दो, हमारे मोहल्ले में कोई भूखा नहीं सोएगा, वो चाहे फिर हिंदू हो या मुसलमान। यही तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखा के गए थे, देखें कौन नफरत करता है तुमसे। और रही बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो वो हस्ती आफ्ताब की तरह रोशन है, उसको चंद फूकों से कोई बुझा नहीं सकता। अल्लाह हाफिज़, धन्यवाद।